करते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग का अनुच्छेद जो है भाग 12 में और अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। यह एक अस्थायी आयोग है जिसका जो है राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष गठन करता है। किसका? वित्त आयोग का गठन प्रत्येक पाँचवें वर्ष करता है। इस आयोग के अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार की सिफारिश पर कौन करता है? तो अब मतलब राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष तो जो भी पहले हो रिटायर हो जाते हैं। इस आयोग का मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्य के मध्य जो है करों का बंटवारा करना होता है। अब तक 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। कितना? 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नंद किशोर सिंह हैं और 20 से 25 के बीच इसको जो है कार्यकाल रहा है। पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे। कौन? केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये निकायों में हम दूसरा देख रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग, यानी UPSC जिसे कहते हो। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख जो है संविधान के भाग जो है 14 में है और 3 अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख किया गया। संघ लोक सेवा आयोग, इस आयोग का अध्यक्ष जो है सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या जो है 65 वर्ष जो भी पहले हो ये रिटायर हो जाते हैं। केंद्रीय भर्ती संस्था ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए जो है कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन सा? ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। चलते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। ये भी जो है प्रकार का संवैधानिक संस्थाएँ हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान की भाग जो है 14 अनुच्छेद जो है 315 में किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। इसमें भी 6 वर्ष तथा 62 वर्ष जो है जो भी पहले हो ये इनका रिटायर हो जाएंगे कार्यकाल है। और वहीं पर यह भर्ती संस्था राज्य संस्था है ए और बी के लिए राज्य कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बने रहें, अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है 15 के अनुच्छेद 324 में किया गया है। किसमें? देखो वित्त आयोग 280 था और ये कितना है आप बताओ? 324 में है। इस आयोग में सदस्य कितने होते हैं? तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दूसरा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो ये चीज़ याद रखना है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, परंतु 1989 में जो है चुनाव आयुक्तों के प्रावधान का बहुसदस्यीय बना दिया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जो हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग जो है सन 2003 में गठित किया गया था। ये 16वें अनुच्छेद भाग 16 में 338 अनुसूची में इसका उल्लेख है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त प्रदान किया गया इसमें। इस आयोग का एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था, 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितना? 3 वर्ष होता है। देखिए अनुसूचित जाति के आयोग का कार्यकाल कितना? 3 वर्ष होता है। ये चीज़ें नहीं तो लगभग आप सब में 5 वर्ष या 6 वर्ष याद किए तो 6 वर्ष लगा दें, लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना? 3 साल ही होता। सदस्यों का भी कार्यकाल 3 ही वर्ष होता है। इस आयोग का मुख्य कार्य जो है अनुसूचित जाति की सुरक्षा और विकास करना है। अब वहीं पर बात करते हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना है, किशोर मकवाना। अब अनुसूचित जनजाति आयोग के वहाँ पर अनुसूचित जाति, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आयोग का, इसका भी 9वें संविधान संशोधन सन 2003 में संविधान के भाग 16 में 338A में रखा गया। वहाँ 338 में रखा गया, 338A में रखा गया है। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। उपाध्यक्ष तथा एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनका भी कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अनुसूचित जाति और की सुरक्षा और विकास के लिए कार्य करना। आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 102वें संविधान संशोधन 2018 के तहत जो है 16वें भाग में जो है 338 के बी में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किया गया था। सन 2018 की बात हो गई पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। इस आयोग के अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 3 वर्ष कार्यकाल होता है और वही मुख्य कार्य पिछड़ा वर्ग के विकास और सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। इस आयोग का वर्तमान अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर हैं। अब बात करते हैं गैर संवैधानिक निकाय जो है जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। देखिए CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है संथानम समिति की सिफारिश पर 1963 में बनाया गया था।
और इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार सिन्हा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है 1964 में संतान समिति की सिफारिश पर 4 वर्ष या 65 वर्ष इसकी आयु सदस्यों का कार्यकाल होता है। ए एस राजीव जो है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी जो है एक प्रकार का जो है गैर सामुदायिक निकाय है, इसकी स्थापना 1992 में 3 वर्ष या 65 वर्ष इसके भी जो है सदस्यों के कार्यकाल होता है। रेखा शर्मा इसकी जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं। और वहीं पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में स्थापना किया गया, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पे जो है, और इसके जो रिटायर्ड व्यक्ति होते हैं उस इसके वो होते हैं अध्यक्ष होते हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार इसके जो है अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अल्प इकबाल सिंह लालपुरा इसके जो है अध्यक्ष हैं प्रेजेंटर में। केंद्रीय सूचना ब्यूरो की स्थापना 2005 में हीरा लाल सामरिया हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो है 2007 में 3 वर्ष या 65 वर्ष एवं 3 वर्ष या 60 वर्ष जो की आयु जो है अन्य सदस्यों की, ये अध्यक्ष की आयु जो है 3 वर्ष 65 वर्ष, लेकिन अन्य सदस्यों की प्रियांक कानन को जो है इसके समय वर्तमान अध्यक्ष हैं। 2015 में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष बने हैं अभी भी। अब बात करते हैं राजभाषा की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग जो है 17 में भाषा की बात की गई है 343 से 351 के बीच। अब वहीं पर 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन कर सकता है जिसका एक अतक तथा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कितने भाषाएं अभी तक हैं, टोटल जो है 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, और संविधान मूल संविधान में कितने थे तो अब बताओ 14 भाषाएं थी। अब बात करते हैं राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है। इस समिति के कितने 30 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य जो है राज्यसभा के होते हैं। संसदीय समिति के राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति का गठन की बात की, 20 सदस्य किससे, लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अब बात करते हैं 1923 में संसद के राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, कब राजभाषा अधिनियम पारित किया तो 63 में, और वहीं पर संविधान में 8वीं अनुसूची में के अंतर्गत शामिल किया गया है भाषाओं को, किसमें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब बात करें तो वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं, मूल रूप से 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 में पहली भाषा सिंधी जोड़ी गई। अब वहीं पर बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1992 में कितनी 3 भाषाएं जोड़ी गई, नाम माँ कयाद के लिए नेपाली मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई 1972 में। अब और आगे बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन 2003 में जो है 4 भाषाएं बोली गई, बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली, BDMS याद कर लीजिए, BDMS बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली जोड़ी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब वहीं पर बात करते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई, जिस कारण से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 के तहत उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षण की सुविधाएँ की गई हैं। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए 351 में। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में के भाग 18वें में अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेख किया गया आपात उपबंध किया गया है। 18वें भाग में 3 प्रकार का आपातकाल का उल्लेख है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल की बात की है। आपातकाल संबंधित शक्तियाँ किसमें निहित होती तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रपति युद्ध बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अब वहीं पर मूल संविधान में जो है 352 में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो 1978 में अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब अशांति के आधार पर विद्रोह नहीं किया जा सकता, केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है। अब बात करते हैं अब तक 3 बार जो है आपात लग चुका है, भारत चीनी युद्ध 1962 में, भारत पाक युद्ध 1971 में, आंतरिक अशांति का मामला जो 1975 में, 3 ही बार अभी तक आपातकाल लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल 1 बार में 6 माह तक लगाया जा सकता है, 6-6 माह करके जो है अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और वही 356 के तहत राष्ट्रीय
राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर जो है राज्यपाल की सिफारिश पर आपातकालीन राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है 356 के तहत, और 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब राज्य आपातकाल एक बार में 6 माह तक बढ़ाया लगाया जा सकता है, और विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष तक से अधिक नहीं लगाया जा सकता। इसमें सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन जो है उत्तर प्रदेश में 10 बार, मणिपुर में 10 बार, और बिहार में जो है 8 बार लगाया जा चुका है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, मणिपुर, फिर बिहार। कह सकते हो बने रहें। अब बात करते हैं सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन 49 बार जो अपने शासनकाल में लगाया किसने, इंदिरा गांधी ने। छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां पर अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना ऐसे राज्य जहां पर अभी तक आपातकाल लगा ही नहीं। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश की वित्तीय अस्थायित्व एवं साख खतरे की स्थिति में मंत्र परिषद की सिफारिश पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा, ये इन पैसे के कोई वित्तीय अस्थायित्व साख खतरे में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल भी एक बार में 6 माह तक लगाया जा सकता है, 6 माह करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाता है वित्तीय आपात। अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल एकमात्र ऐसा आपातकाल जिसकी न्यूनतम अवधि कितनी है, आप बताओ 2 माह है। न्यूनतम अवधि कितनी है, 2 माह। अब तक कभी भी वित्तीय काल नहीं लगाया जा सका, वित्तीय आपात नहीं लगाया जा। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। पैसा 29वां चैप्टर पर पहुँच गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत 368 में संशोधन शक्ति प्रदान किया गया, जिसका जो कहाँ से लिया गया तो मतलब दक्षिण अफ्रीका से जो है संशोधन प्रक्रिया ली गई है। भारतीय संविधान के 3 प्रकार के संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ राज्यों का अनुमोदन। 3 प्रकार के साधारण बहुमत, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत और राज्य के अनुमोदन द्वारा जो है 3 प्रकार के जो है संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन से प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक मामले में दोनों सदनों को बराबर सकते हैं, संविधान संशोधन मामले में दोनों सदन को बराबर सकते हैं प्रावधान है। अब बात करते हैं साथियों 19 संशोधन देख लेते हैं। 1951 में जो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें कोई भी कानून डाल दिया था तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। पहला जो कानून था बना था, पहला संशोधन। 7वां संशोधन देखिए इम्पॉर्टेंट ही देखेंगे। इसमें राज्यों का पुनर्गठन करके 14 और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे पहले। 10वां संशोधन दादर नगर हवेली, 10 से 10वां दादर नगर हवेली के भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अब 12वां संविधान संशोधन जो है गोवा दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 14वां संविधान संशोधन पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 18वां जो है पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके हरियाणा राज्य चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। देखो 66 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, 2 राज्य बनाए गए। 21वें में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 24वें में संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया 24वें में। 36वें में सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां राज्य सम्मिलित किया गया। अब बात करते हैं 36 के बाद 42वें संविधान संशोधन। देखिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। देखिए कहा इस संविधान को लघु संविधान की संज्ञा दे दी गई है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। लोकसभा की विधानसभा के कार्यकालों को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। अब वहीं पर राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़े गए किसमें, तो आप बताओगे इस 42वें संविधान संशोधन में। अब बात करते हैं शिक्षा, वन एवं वन्य जीव, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जैसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया किसमें, शिक्षा, वन, वन्य जीव और जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन एक किसमें, तो आप बताओगे समवर्ती सूची के विषय बना दिया गया। 44वें संविधान देखिए इसको याद कैसे, 4 और 2 6 और लास्ट में यहाँ 6 दिख रहा है। 44वें संविधान 4 4 8, यहाँ पर लास्ट में 8 दिख रहा, तो ईजिली याद आप याद कर सकते हो। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल को पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वहीं 52वें संविधान संशोधन में संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल कानून लाया गया राजीव गांधी की सरकार में। और 56वीं संविधान संशोधन जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया 1987, जबकि 1947
1961 में इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। 61वां संविधान संशोधन के तहत 326 के तहत संशोधन करके लोकसभा राज्यसभा सभाओं में मताधिकार 21 से घटाकर 18 कर दिया था। ये राजीव गांधी के सरकार में ही हुआ। 59वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त किया गया। 71वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। तीन भाषाएं जोड़ी गई, नमक जैसे आदि नेपाली मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जो है जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज का उल्लेख व्यवस्था की गई। 74वें में जो है नगरीय स्वशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया 12वीं अनुसूची में, जबकि 84वें संविधान संशोधन 1991 में जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के सीटों को परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। अब नेक्स्ट है देखिए 86वें संविधान संशोधन के तहत प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। प्राथमिक शिक्षा को 91वें संविधान संशोधन के जो है मंत्री तथा प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते हैं। 92वें संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची बोडो बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली भाषाएँ जोड़ी गई। 93 में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सरकारी तथा निजी संस्थाओं में 27% आरक्षण की बात की इसमें की गई। तो अब 93 संविधान संशोधन में 99 में राज्य न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, सुप्रीम कोर्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसको पहले इसको लाया गया था कि अब जो है केंद्रीय मंत्री भी इसके गठन जजों के चुनने में जो है उनका भी जो है योगदान रहेगा। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के मध्य सीम क्षेत्रों का आदान प्रदान करना था। वहीं 101वां संविधान संशोधन वस्तु तथा सेवा कर GST लाया गया। एक कर एक देश एक कर, तो एक एक यहाँ पर 101 याद के लिए। 102 में अन्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वहीं पर 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में शिक्षण संस्थानों को 10% आरक्षण की बात की गई है 103 के तहत। 104 के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण 10 वर्षों के लिए जो है बढ़ाया गया। आंग्ल भारतीय आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। और वहीं पर 105वां संविधान संशोधन 2021 में राज्यों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान कर राज्यों को शक्ति बहाल करना था। बने रहे प्यारे साथियों, अब आपने देखा आज का सेशन कितना बेहतरीन था, और इसी तरह के जो प्रीवियस सेशन है क्विक रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन नोट्स आपके मिल जाएंगे। एक दो बार वीडियो देख लेते तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। 1895 में बाल गंगाधर यानी BG तिलक ने सर्वप्रथम किया था। वहीं पर बात करते हैं 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार जो है मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। पहली बार जो है लिखित रूप से संविधान की मांग किसने, मानवेंद्र राय जो है नाथ जी ने किया था। और वहीं पर 1946 में जो है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किसके संस्तुति पर किया गया था, तो बताओ कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर किया गया था। प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसको बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलने वाला है। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे आप बताओ, 289 निर्धारित थी, इसमें 292 क्या थे ब्रिटिश प्रांतों से थे, जबकि 4 जो है चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि थे, और 93 देसी रियासत यानी रजवाड़े थे। 292 क्या थे ब्रिटिश प्रांत थे, 4 जो कमिश्नरी क्षेत्र से थे, 93 जो थे ये देसी रियासत वाले थे। अब बात करते हैं संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता जो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और उसके दो ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है बात करते हैं 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा का ने राष्ट्रध्वज अपनाया। कब राजध्वज अपनाया गया, तो 22 जुलाई। देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, इनमें जितने भी डेट्स आपको दिख रहे हैं उन डेट को बहुत ध्यानपूर्वक याद कर लेना है, और कॉपी में नोट करके कई 2 से 3 बार रिवाइज करें, या इसी वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेते हैं तो चीज़ें आपकी परमानेंट हो जाएगी। साइकोलॉजी कहती है कि किसी चीज़ को 3 बार देख लेते हैं, उससे मिल लेते हैं या सुन लेते हैं तो चीज़ें परमानेंट होने लगती हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसकी समिति में कुल कितने 7 सदस्य थे इसमें। अब BN राव जो है संवैधानिक सभा के जो है क्या थे सलाहकार, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे आप बताओ, BN राव थे। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का क्या हो गया, गठन हुआ।
जिसके 50 संविधान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी देगी, 299। जब गठन किया गया पुनर्गठन के बाद जो है तो आप बताएंगे 299 रह गई, और पहले आप देख रहे थे कितने थे, 389 थे, और फिर विभाजन के बाद कितने हो गए, 299 हो गए। एक एक चीज़ें इसमें याद करके रखना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है संविधान का 3 चरणों में जो है 154 दिन में जो है वाचन कंप्लीट हुआ। वहीं संविधान में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। 26 नवंबर 1929 को संविधान अंगीकार किया गया, यानी स्वीकार किया गया, लेकिन लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी को लागू किया गया। अब विशेष तौर पर आपको पता है संविधान दिवस कब मनाया गया, 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पहले इसका जो है कोई महत्व नहीं था, कुछ इसको ध्यान, लेकिन अब 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 हो गई है, पहले कितनी थी, 8 थी। प्यारे साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में बहुत बात होती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन सदस्य थे। देखिए पहले बी आर अम्बेडकर तो सभी लोग जानते होंगे, पहला अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाल स्वामी एंकर थे, अब वहीं पर बात करते हैं एन माधव राव थे, बी एल मित्र पहले थे लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो है बी एल, अब वहीं पर बात करते हैं ये हटने बाद, टी बी किसारी किसके जगह पर हो, डी पी खेतान की मृत्यु के पश्चात बने। तो ये 7 सदस्यों को आपको ध्यान देना है, बी आर अम्बेडकर, अल्लाद कृष्णा, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाला स्वामी एंकर, और उसके बाद में एन माधव राव और टी टी कृष्णाचार्य, तो इन सबको याद कर लेना है। अब जितनी समितियाँ थीं जिनमें संघ शब्द लग जाए वो समझ लेना किससे है, जवाहरलाल नेहरू से। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति के जो है आप जवाहरलाल नेहरू, संचालन देखिए संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के भी राजेंद्र प्रसाद, वहीं प्रारूप समिति अभी आपने देखा ही किस कौन है, तो आप बताओगे प्रारूप समिति के कौन है, बी आर अम्बेडकर है। प्रांतीय शब्द जहां लग जाएगा वहां पर आपको याद रखना है किससे, तो आप बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल से। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के कौन थे, तो आप बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार के जे बी कृपलानी, मौलिक अधिकार समिति कौन से थे, जे बी कृपलानी। वहीं अल्पसंख्यक परामर्शक के एस सी मुखर्जी थे। अब संविधान के भाग कौन कौन से, भागों के बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों। भाग एक में संघ तथा राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 जो है भाग एक में है। वहीं पर 2 में क्या है, नागरिकता, और किस अनुच्छेद में, 5 से 11 में कहा गया है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार जो है, और वहीं भाग 4 में राज्य के नेतृत्व तत्व, 36 से 51। देखिए इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक संघ राज्य क्षेत्र का किस अनुच्छेद में मौलिक है, तो 1 से 4 में, और वहीं नागरिकता का 5 से 11 में, मूल अधिकार का 12 से 35 में, और वहीं पर बात करते हैं नीति नेतृत्व का 36 से 51 में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसका, भाग जो है 4 के ए में जो है मूल कर्तव्य 51A जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया है। 5वें में संघ सरकार इन केंद्र सरकार की बात की, 52 से 151, और वहीं पर राज्य सरकार, पहले संघ बढ़ा तो संघ को ऊपर रखोगे, 5 के बाद 6 में क्या आएगा, राज्य सरकार, और राज्य सरकार का उल्लेख 152 से 237 तक की बात की गई है। और वहीं पर बात करते हैं 7वें में ये 7वां जो है सात से समाप्त, 7वां ख़त्म किया जा चुका है। और वहीं 8वें में बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, 239 से 242 में। वहीं 9वें में पंचायत की बात की गई है, और वहीं पर क्या बात करते हैं 9 के ए में नगर पालिका की बात की गई है, किसमें, नगर पालिका की बात। अब बात करते हैं प्यारे साथियों बने रहें, अब वहीं पर बात करें सहकारी समिति की बात किसमें, 9 के बी में बात करें सहकारी संस्थाओं की बात की गई है, 9 के बी में, और इसका अनुच्छेद देखिए जेड से लेकर जेड टी तक है। 10 में अनुसूचित जाति के क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, 44 से लेकर 44A में। और वहीं 11वें में संघ राज के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है, किसमें, संघ और राज के बीच संबंध का बात किया गया है, तो 11वें में। और वहीं पर बात की वित्त संपत्ति तथा संविदाओं के बारे में, वाद के बारे में जो है 264 से 300। अब वहीं पर बात करते हैं 13वें में किसका, वाणिज्य व्यापार अनुच्छेद 301 से 307 के बारे में चर्चा की गई है। अब आते 14वें में संघ राज क्षेत्र के अधीन सेवाओं के बारे में, अनुच्छेद 3 से, ये सब इसमें बहुत कम ही पूछे जाते थे कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट, निर्वाचन का उल्लेख जो है 324 से 324 में।
अब इसमें देखो राजभाषा संबंधित है किसमें, तो आप बताओगे 17वें में राजभाषा भाग 17वें में, और किस अनुच्छेद 343 से 351, और वहीं पर 18वें में आपातकालीन प्रावधान जो है 352 से 360, ये इंपॉर्टेंट है। अब वहीं पर बात करते हैं, ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका 19 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। संविधान संशोधन किस में बात की गई, तो 20 में संविधान संशोधन 368 में बात की गई 20। और वहीं पर बात करते हैं संक्षिप्त नाम, ये 22वां आपको याद कर लेना, संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निर्देशन की बात की गई 393 में, तो आपको इम्पोर्टेंट रिपोर्ट इसमें सब भी 22 आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब अनुसूचियों के बारे में, कितने अनुसूचियाँ कुल संविधान, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, पर अब कितने होंगे 12 हो गए। नवीं अनुसूची जो है कब 1991 में जोड़ा गया था, अब वहीं पर बात करते हैं 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया 1985 द्वारा जोड़ा गया था, 10वीं कब, तो आप 1985 में 52वें संविधान संशोधन, तो आपको याद करके ना 10वीं में दल बदल के बारे में बात किया गया है। 11वीं जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत जो 1992 में जोड़ा गया, जबकि आपको बता दें 74वें संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992। अब वहीं पर बात करते हैं कि इसमें है पहली इसमें जो जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची, तो आपको बताते हैं 1951 में जोड़ा गया था और 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। जी इसमें मिस्टेक हो गई थी, मैंने प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया कौन सा 9वीं अनुसूची, हमने 21वां कह दिया तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जितने अनुसूची हैं उनके बारे में, 12 अनुसूची के, प्रथम अनुसूची में भारत संघ के राज्य क्षेत्र तथा संघ शासित प्रदेश के बारे में बात किया गया है, दूसरे में पदाधिकारियों के वेतन धन की बात की गई है, दूसरे में वेतन भत्ता किसे, तो धन, धन में अक्षर दो तो आपको याद रखना द्वितीय, तृतीय में शपथ की बात की गई है विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ, शपथ में अक्षर कितने तीन, तो तीन इसको याद कर लीजिए, चौथे में किसके राज्यसभा के बारे में बात किया गया, विभिन्न राज्यों के संघ शासित क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में, पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के बारे में प्रशासन के बारे में बात किया गया है, छठी छठे में क्या है असम त्रिपुरा मेघालय यानी ATMM इन क्षेत्रों असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम के प्रशासन के बारे में बात किया गया है, जबकि सातवें में जो है केंद्र सात के शक्तियों के बारे में बंटवारा, सात साथियों शक्तियों को बंटवारा, आठवीं में संवैधानिक भाषाओं के बारे में बात किया गया है, नौवीं में भूमि सुधार कानून के बारे में बात किया गया है, जबकि दसवीं में जो है दल बदल के बारे में, 11वीं ग्राम पंचायत गांव से 11वीं गांव से ग्राम पंचायत, और 12वीं में जो है शहर पंचायत यानी नगर पंचायत के बारे में बात किया गया है। अब संविधान जो बना था कहां कहां से इसके जो स्रोत क्या थे बनाने के, तो ये चीज़ें देख लेते हैं, स्रोत जानना बहुत जरूरी, इससे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। वहीं बात करें कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटेन से क्या लिया गया, फर्स्ट आप जानते हैं ब्रिटेन का प्रभाव ज़्यादा भारतीय संविधान पर ज़्यादा पड़ा है, सबसे पहली बात तो एकल नागरिकता लिया गया है कि भारत जैसे अन्य देशों में क्या है राज्य की अलग नागरिकता होती है केंद्र की अलग, लेकिन यहाँ पर एकल नागरिकता है। और वहीं पर बात करते हैं विधि के शासन, विधि का शासन लिया गया है, और वहीं विधि के समक्ष समता ये भी क्या है ब्रिटेन से, और वहीं पर बात करते हैं शासन द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से, रिट शक्तियाँ महान्यायाधि का पद और बजट वगैरह सब कहाँ से लिया गया, तो बताओ ब्रिटेन से। अब वहीं पर बात करते हैं अमेरिका से मौलिक अधिकार दिया गया है, और वहीं पर प्रस्तावना लिया गया है, और विधि के समाज संरक्षण की बात, देखिए समता की बात ब्रिटेन से, जबकि संरक्षण की बात जो है अमेरिका से लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब कहाँ से, ये अमेरिका से ही लिए गए हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड, राज्य के नीति निर्धारक तत्व जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये सब कहाँ से, सभी आयरलैंड से ही लिए गए हैं। अब बात करते हैं प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया से, किस समवर्ती सूची क्या है ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ही, केंद्र राज्य के बीच संबंध और संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट भी जो है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। अब वहीं पर बात करते हैं कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास जो होती है कनाडा से ही लिया गया है। अब वहीं पर बात राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का विचार जो है ये भी फ्रांस से ही लिया गया है। अब बात है दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या,
संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है, ये सब जो है संशोधन प्रक्रिया तो बहुत बार पूछा गया है। कहाँ से? तो बताओ, अफ्रीका से लिया गया। जर्मनी से मौलिक अधिकारों के निलंबन की संबंधित आपातकालीन प्रावधान, मूलभूत ढांचा का कॉन्सेप्ट भी जो है जर्मनी से लिया गया है। रूस से क्या है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, और वहीं पर प्रस्तावना में वर्णित न्याय की बात की गई है, वो भी जो है रूस से। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? जापान से। अब बात करते हैं प्रस्तावना यानी प्रेम्बल के बारे में, बात कर लेते हैं प्रेम्बल में क्या क्या बात की गई है। देखिए, इसमें फर्स्ट है संविधान की प्रस्तावना जो है, संक्षिप्त संविधान की क्या कुंजी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देश्य का प्रस्ताव में संकल्प प्रस्तुत किया था। उन्हें ही संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका में शामिल किया गया था। इसको पेश कब किया गया था? तो आप बताओगे 13 दिसंबर 1946 को। इसको सब अपनाया कब गया? 22 जनवरी 1947 को। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, संपूर्ण प्रभुत्व संबंध समाजवादी पंत्र पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता कितने प्रकार के? प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता, दो प्रकार की समता दी गई है। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा तथा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए जो है हम दृढ़ संकल्प को, संकल्प से अपनी संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये इतनी बातें एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ें तभी पता चलेगी। देखिए, सामाजिक, आर्थिक, न्याय कितने? तीन होते हैं। स्वतंत्रता कितनी? 5 होती है। समता कितनी है? 2 हैं। आगे बात करते हैं, इसमें कहा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंत्र निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी पंत्र निरपेक्ष और अखंडता, तीन नए शब्द जोड़े गए। और वहीं पर बात करते हैं, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। किसने संविधान का आत्मा कहा? तो इसका बता दें आपको, ठाकुर दास भार्गव जी ने जो है संविधान का आत्मा किसे प्रस्तावना को कहा। तो अब बात कर लेते हैं प्यारे, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से संघ? देखिए, संविधान के भाग एक में जो है 1 से 4 तक संघ तथा राज्य क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है। अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया ही भारत है, ये बात कहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात कहा गया है। अनुच्छेद 2 तथा 3 में संसद को यह अधिकार देता है कि यह विधि बनाकर संघ के नए राज्यों को प्रवेश, स्थापना तथा राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन तथा पुनर्गठन कर सकती है। किसमें? अनुच्छेद 2 और 3 में कहा गया है कि अधिकार है कि किस विधि बनाकर क्या है, संघ के राज्यों का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश कर सकती है, राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन, राज्य का पुनर्गठन कर सकती है, ये बात कहा गया है। अब बात करते हैं वहीं पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो है 1948 पर धर आयोग एवं JPB समिति के गठन के लिए किया गया था, परंतु समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था इस। लेकिन 1953 में पोट्टी श्री रामुल्लु के आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश में जो है भाषा के आधार पर प्रथम राज्य को गठित किया गया। कौन सा? तो आप बताओ, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा है जो भाषा के आधार पर गठित राज्य था। अब वहीं पर बात करते हैं 1953 में फजल अली ने जो है 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य तथा 6 केंद्रशासित प्रदेश का गठन किया। कितने राज्य? 14 राज्य तथा 6 केंद्रशासित प्रदेश का गठन किया। वहीं 14 राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास व केरल, मैसूर, असम, आंध्र प्रदेश, ये 14 राज्य टोटल हुआ करते। 6 केंद्रशासित प्रदेश कौन से? दिल्ली था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, लक्कादीव, मिनी द्वीप, अमीनो द्वीप, ये तीनों थे, मणिपुर और त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, ये भी जो है क्या हुआ करते थे केंद्रशासित प्रदेश। अब आपको बता दें प्यारे साथियों, 1973 में लक्कादीव, मिनी द्वीप, अमीनो द्वीप समूह को का नाम बदल कर लक्षद्वीप कर दिया गया। देखिए, लक्कादीव, मिनी द्वीप और अमीनो द्वीप, इनका नाम बदल कर लक्षद्वीप कर दिया गया। अब 1956 के
के पश्चात गठित राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गुजरात का गठन किससे, नवीन राज्य महाराष्ट्र के काट करके बनाया गया, जबकि 1 दिसंबर 1970 नागालैंड किससे बनाया गया, तो असम से, और वहीं पर पंजाब से काट के क्या बनाया गया, तो हरियाणा बनाया गया 1966 में। 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश बनाया गया किससे, हिमाचल प्रदेश संघ राज क्षेत्र था, केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं पर मणिपुर संघ क्षेत्र था, ये भी जो है राज्य बना दिया गया। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा पहले संघ राज क्षेत्र था, बाद में इसको जो है राज्य घोषित कर दिया गया। असम को असम से काट के क्या है, मेघालय बना दिया गया। असम पहले काफ़ी बड़ा राज्य हुआ करता, बाद में इसको काट काट के बनाया गया। कई सिक्किम से सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब, 1987 में। देखिए ये पूछा गया, गोवा शामिल तो 1961 में हुआ था, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 में किया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया, और वहीं पर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से झारखंड बनाया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना था उस समय के हिसाब से, 2 जून। अब देखिए 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को जो है अब राज्य की तरह श्रेणी से हटा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश के लिए, तो टोटल 28 ही बचे हैं। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। देखो दिल्ली को कब बनाया गया, तो 1956 में। लक्षद्वीप को 1956 में ही बनाया गया। अंडमान द्वीप को दोबारा 1956 में भी बनाया गया। 1962 में पुडुचेरी को बनाया गया। 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़, जबकि 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू और कश्मीर को, और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को, जबकि 26 जनवरी 2020 को दादा नगर हवेली तथा जो है दमन दीव को। ये पुनर्गठित करके टोटल कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ, आपको इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है, आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो देखना है। अब देखिए इसमें पहला आपको मिलने वाला है नागरिकता के बारे में, भाग दो के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। भाग दो में क्या है, नागरिकता है, और 5 से 11 में जो है नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संविधान की एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और जो कहाँ से एकल नागरिकता लिया गया, ब्रिटेन से, भी आपने देखा है। अनुच्छेद 11 के तहत जो संसद की नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार जो है किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। 1955 नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक कानून का निर्माण किया गया, जिसे भारतीय नागरिक अधिनियम, नागरिकता अधिनियम कहा गया है। इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त के 5 तरीकों के बारे में उल्लेख किया गया है, 5 तरीके। कितने तरीके, तो आप बताओ, 5 तरीके के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्विक रिवीजन, तो क्विक रिवीजन की तरह ही देखेंगे हम इसे। मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 के बारे में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अधिकारों की चर्चा की गई इसमें, जिसका स्रोत जो है संविधान है। क्या है, तो आप बताओ, संविधान है। अब बात करते हैं भारतीय के मौलिक अधिकार भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी अधिकार पत्र जिसे कहते हैं हिंदी में। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होता है, किसके राज्यों के विरुद्ध, लोगों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। आपको बता दें 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में, और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में इसको लागू कराया जा सकता है, वाद योग है कह सकते हैं। मूल संविधान में कुल अधिकारों की संख्या कितनी, 7 थी, लेकिन अब 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर जो है भाग जो है 12 में जो है 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। अब 6 यो पहला समता का अधिकार 14 से 18। 14 में क्या है, सबकी बात कर लेते हैं। 14 में किसी भी विधि के समान सक्षम क्षमता समता तथा संरक्षण की बात की गई है, किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, ये बात कहा है। मानी विधि के समान समता तथा संरक्षण से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। अब वहीं पर अनुच्छेद 15 में बात करते हैं, राज्य के धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है कौन, अनुच्छेद 15, यानी लिंग भेदभाव या नस्ल के आधार पर किसी तरह का भेदभाव। देखिए धर्म, जाति, नस्ल, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, 15 में कहा गया, जबकि 16 में सरकारी नियोजन में जो है समानता का प्रावधान किया गया है। 16 में समानता किसका, सरकारी नियोजन में। वहीं 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को समाप्ति किया। 18 में किसकी बात की, उपाधियों की अंत की बात की गई 18 में। जबकि अब बात करते हैं, ये तो हमने क्या देख लिया है,
समानता का अधिकार आपने देखा 14 से 18 में, और देखिए सम संख्या 14 भी सम है 18 भी सम है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 1922 में किसका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार की बात किया गया है। अब बात की अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19(1) में जो है शामिल किया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें 19 की बात की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित मानी गई है 19(a) में जो है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। देखिए इसमें शॉर्ट में करें तो शॉर्ट में ही पढ़ना है आपको। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के प्रावधान किया गया है। अब वहीं पर बात करते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात 21 में किया गया है, और 21 के अंतर्गत किसी को निजता का अधिकार एवं जीवन साथी चुनने का अधिकार भी जो है, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार भी प्राप्त है किसमें 21 के तहत। देखो जीवन साथी चुनने का अधिकार, और वहीं पर बात करते हैं निजता का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण से विरुद्ध जो अधिकार, ये सब प्राप्त हैं किसमें 21 के तहत। अब बात करें अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी सभी निलंबित हो जाएंगे, आपातकाल के समय 20 और 21 नहीं निलंबित होगा। चलते हैं नेक्स्ट है 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और किस अनुच्छेद के तहत 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में अनुच्छेद 21(a) के तहत जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इन कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के और निरोध का संरक्षण का सिद्धांत 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करेंगे यात्रा के समय को छोड़कर। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करते हैं किसमें है 23 से 24 में शोषण, 23 में मानव दुर्व्यवहार बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी या बेगारी के आदि को प्रतिबंध लगाता है, जबकि 24वें में जो है 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियोजन पर प्रतिबंध की नौकरी करने पर प्रतिबंध लगा रखा है क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र होती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 में व्यक्त किया गया, 25 में अंतःकरण तो स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने आचरण करने का अधिकार जो है किसको प्राप्त है वो तो अनुच्छेद 25 में, 25(2) में जो है सिखों की कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, और उन पर सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो है 29 से 30 में किया गया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यह अधिकार केवल भारतीयों को, आपको बता दें सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार किसको केवल भारतीयों को ही है। 29 में अल्पसंख्यक वर्ग में अपने लिपि तथा भाषा के संस्कृति के संरक्षण की बात की है 29 में, जबकि 30 में जो है अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा संचालन का अधिकार किसमें है 30 में है, और वहीं पर बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है 32 में है कहा गया। देखिए 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, जबकि 226 के तहत देखो आप कहाँ उच्च न्यायालय में जो है जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रिट या प्रादेश कहा जाता है। 5 प्रकार के रिट हैं, कौन कौन से 5 हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रसेद है, उत्प्रेषण। और जय हिंद वंदे मातरम प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल जनमानस क्लासेस में। आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में आज हम भारतीय संविधान को क्विक रिवीजन के तौर पे पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। देखिए ये खान सर के नोट्स के माध्यम से रिवीजन होगा, आपको मैं सेशन को दिखा देता हूं कि कितना बेहतरीन सेशन आपको मिलने वाला है। इसमें विषय सूची आपको देखिए पूरा विषय सूची पूरा डिस्कस किया जाए। देखिए जितने चैप्टर इसमें आपको दिख रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट, संविधान से लेकर संशोधन प्रक्रिया तक सब कुछ 2200 भाग, और अनुसूची में कुछ सेशन और आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन वगैरह कैसे कैसे इसमें हैं कि आपको विश्वास हो जाए कि ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। देखिए कितना चैप्टर वाइज आपको क्विक रिवीजन के तौर पर, यानी कि 2 से 2.5 घंटे का ये वीडियो होने वाला है, पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला। मैं पूरा सेशन आप देख लीजिए, उसके बाद हम जो है क्लास को प्रारंभ करते हैं, बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। PSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो है 36 से लेकर 91 अनुच्छेद तक है। अब जिसका स्रोत जो है क्या है, आयरलैंड से, इसको आयरलैंड के संविधान से शामिल किया गया था राज्य के नित्य निषद तत्व को। राज्य के नित्य निषद का उद्देश्य जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है किस में निहित है, तो आप बताओगे राज्य के नित्य निषद तत्व में।
राज्य के निर्देशक तत्व को राज्य के विरुद्ध नहीं है, ये चीज़ें याद रखना। राज्य जब चाहे तब इसको लागू कर सकता है, ये वाद योग्य नहीं है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इसे लागू नहीं करा सकते हो, ये जब राज्य की इच्छा होगी तभी इसको लागू करेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 37 में इसके बारे में, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाता, किस में है? अनुच्छेद 37 में इसकी बात की गई है, 36 में राज्य की परिभाषा बताया गया है, ये चीज़ याद करके रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ही डिस्कस कर रहे हैं इसमें। अब बात करते हैं 39 में, राज्य सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित कराएगा, ये बात उन 39 में कही गई थी। अब बात करते पैसा थी 39 के ए में कहा गया, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जो है की व्यवस्था करेगा, ये बात पहले से संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया इंदिरा गांधी के समय में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 में, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन की व्यवस्था करे, ग्राम पंचायत की बात किसमें कही गई, 40 चोर की कहानी गांव से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे याद कीजिए कि अनुच्छेद 40 जो है में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। 41 में जो है राज्य कुछ दशाओं में काम से तथा लोक सहायता की जो है बात किसमें की गई है, तो अब बताओ 41 में उचित प्रबंध करेगा कहा गया है किसमें, 41 में। 42 में राज्य काम की न्याय संगत और मानोचित दशाओं तथा देख लो महिलाओं को प्रसूति सहायता, देख लो बच्चा पैदा होने पर 5 या 6 हज़ार मिलते हैं या कहीं कहीं 1400 मिलता है 1600 मिलता है, ये बात अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि प्रसूति सहायता जो है दिया जाए किसको, महिलाओं को, और न्याय उचित मानव दशाओं में काम का दिया जाए, कम ऐसा काम ऐसा दिया जो उसके लिए उचित हो। 43 में जो है राज्य कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योग में संवर्धन का प्रयास, यानी कुटीर जो छोटे छोटे उद्योगों हैं उनको बढ़ावा देने का प्रयास कौन करेगा, राज्य करेगा। राज्य संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता, समान सिविल कोड, देखिए चार चार समान है, तो जो सवाल की सिविल कोड की बात इसमें किसमें की गई है तो 44 में की गई है, और समान सिविल कोड एकमात्र गोवा में ही लागू है। अब 45 की बात करते हैं, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था में देख रेख और उनके लिए शिक्षा का प्रबंध, शिक्षा की बात किसमें की गई है, तो आप बताओ 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इसी में बात की गई है, आप बताओ किसमें, अनुच्छेद 45 में ही की गई है। अब बात करते हैं 46 में, अनुसूचित जातियों जनजातियों के तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की वृद्धि का प्रयास करेगा, तो आप बताओ किसमें उत्तर हो जाएगा 46 अनुच्छेद में। 47 में लोगों को पोषाहार तथा जीवन स्तर, देखिए पोषाहार तथा जीवन स्तर लोक स्वास्थ्य के बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करेगा, ये बात जो है किसमें कही गई है, ये बात जो है अनुच्छेद 47 में। 48 में क्या है, दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और पशुपालन को बढ़ावा देगा, दुधारू जानवरों को बलि पर प्रतिबंध लगाएगा, ये बात किसमें 48 में कहा गया, दुधारू गायों को बलि पर प्रतिबंध लगाएगा, ये बात जो है 48 में कहा गया। 48 ए में क्या कहा गया है, राज्य पर्यावरण संरक्षण की संवर्धन तथा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, 42वें संविधान संशोधन को इसको जोड़ा गया था, जो ए वाले जो बी वाले जो हैं इसको स्वतः बाद में ही जोड़ा गया। 49 राज्य महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण का प्रयास करेगा, ये 49 में कहा गया है। वहीं पर बात करते हैं अनुच्छेद पर, राज्य लोक सेवाओं को न्यायपालिका की कार्यपालिका में पृथक करेगा, देखिए 50-50 याद कर लीजिए, 100 हैं तो 50-50 याद कर लीजिए, पृथक करने की बात किसमें की गई, तो आप बताओगे सब जगह प्रयास ही करेगा, कब करेगा इसके बारे में नहीं कहा गया, जब वो सक्षम होगा तब करेगा। क्यों, राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है किसमें, तो आप बताओगे 51 में। देखिए पूरा हमने देख लिया, एक बार आप फिर से सरसरी निकाह से देख लीजिए, देखिए पूरा 37 में जो है क्या कहा है, नीति निर्देशक के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। 39 में आजीविका का जो है पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, और उसके बाद में देखिए 39 के में समान न्याय और निःशुल्क सहायता कानूनी सहायता, 40 में ग्राम पंचायत, 41 में सभी दशाओं में शिक्षा और लोक सहायता की जो है बात की गई है, 42 में काम जो है न्याय संकट दिए जाएंगे, 43 में क्या कहा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा, 44 में संपूर्ण राज्य में जो है समान नागरिक संहिता की बात की गई है, निःशुल्क शिक्षा की 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या है शिक्षा का देख रेख की बात की है, 46 में अनुसूचित जातियों जनजातियों दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा आर्थिक हितों का प्रयास करेगा, ये बात कहा गया है। पोषाहार के बारे में 47 में, 48 में क्या है कहा गया कि दुधारू पशुओं को और कृषि पशुपालन को बढ़ावा देगा, 48 में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की बात की गई है, 42 संविधान संशोधन जोड़ा गया है,
50 में न्यायपालिका कार्यपालिका पृथककरण की बात की, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अभिवृद्धि का प्रयास करेगा ये बात। अब देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया तो आपको बता दें ये संविधान बनते समय शामिल नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। ये आपको बता दें भाग 4 के ए के अंतर्गत 51 के ए में शामिल किया गया। और बता दें कर्तव्यों की चर्चा की गई, इसका स्रोत जो है कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। ये हम स्रोत जरूर याद रखें, स्रोत कई बार पूछा गया है। जैसे आप देखें मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था, वहीं राज्य के नीतिनिष्ठ तत्व तो कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए थे। और वहीं पर मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए हैं। ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्तमान में कितने, 11 हो गए हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया। कितने, 76 संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया। अब इसके पहले क्या है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से 10 जोड़े गए थे, 86वें संविधान संशोधन 11वां जोड़ा गया। अब देखिए बात करते हैं संघ कार्यपालिका के बारे में, बात करते हैं संघ कार्यपालिका 11वां चैप्टर इसमें डिस्कस कर रहे हैं। पहले राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व और पुदुचेरी के जो है विधानसभाओं के, यानी कि साफ सुथरा कह सकते हैं तो सभी निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं उम्मीदवार लोकसभा के सदस्य चुनने, इसकी योग्यता चुनने योग्य होना चाहिए लोकसभा के। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के नज़रों में, एक नज़र में हम देख लेते क्या क्या है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 42 में किया गया है। और वहीं शपथ कौन दिलाता है तो आपको बता दें मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को देता है। कार्यकाल 5 वर्ष, शपथ ग्रहण से प्रारंभ से, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, वेतन कितना 5 लाख होते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया। महाभियोग कहाँ से लिया गया तो आप बताओ, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब वहीं पर महाभियोग प्रक्रिया 61वें अनुच्छेद 61 के संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से जो है प्रारंभ किया जा सकता है। अब देखिए इसमें महाभियोग लाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है सूचना देना अनिवार्य है, और उसके पद पर रहते हुए महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 में यह उल्लेखित है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति को 6 माह से अधिक का समय रिक्त, राष्ट्रपति पद 6 माह से अधिक जो है रिक्त नहीं रह गया, अनुच्छेद 62 में कहा गया है। 71 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवादों पर हस्तक्षेप का अधिकार केवल राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित कोई भी जो है चुनाव संबंधित विवाद है तो वो केवल उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में ही जो है रखा जाएगा। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, संघ कार्यपालिका की समस्त शक्ति जो है राष्ट्रपति में नहीं थी। संघ कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें, आप बताओ कि इसी में नियुक्त होती है, यानी कि राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति संघ सरकार का महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, संघीय मंत्री तथा सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों की नियुक्त प्रतिनिधि, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दिल्ली और मुख्य सचिव, सभी मंत्री तथा महान्यायाधीश, लेख परीक्षक हैं आदि हैं। तो इसके याद रखना है किसको किसको नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री, संघ मंत्री को, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों, तीनों, इन सबको नियुक्ति कौन करता है, आप बताओगे, राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। अभी बात हो, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है तो राष्ट्रपति ही होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दी गई सजा, दंड माफ करने का अधिकार, यानी क्षमा शक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत, ये बहुत बार पूछा गया तो आप बताओ 72 में है। 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। अनुच्छेद 80 में क्या कहा, 12 सदस्यों का मनोनयन की बात इसमें किया गया तो बताओ राष्ट्रपति को अधिकार है। कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, 4 क्षेत्रों से जुड़े लोग को ही, कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा, 4 क्षेत्रों से लोगों को जो है मनोनीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को संसद को सत्र आहूत तथा 57 एवं लोकसभा के विघटन का अधिकार है।
देखो पचासी के तहत, ये पचासी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसमें, पचासी के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्र आहूत करने, सत्र अवसान करने, लोकसभा के विघटन करने का अधिकार है। वहीं पर बात करते हैं अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकने का अधिकार है। संयुक्त अधिवेशन की बात किसमें की गई, तो अनुच्छेद 108 आपको रट लेना है कि अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है, तो आप बताओगे राष्ट्रपति के पास। ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये 85 वाला भी आपको याद कर रखना है कि संसद क्या है, लोकसभा को विघटित भी कर सकता है, आहूत कर सकता है, सत्र अवसान कर सकता है, किसमें 85 के तहत, जबकि 108 के तहत आपको बताएं संयुक्त बैठक की बात की गई है। आप बात करते 111 में क्या कहा गया है, 111 में राष्ट्रपति द्वारा सदनों को पारित विधेयक को वीटो निषेधाधिकार शक्ति का अधिकार है, यानी वीटो पावर की बात किसमें की गई है, तो 111 में वीटो पावर। ये जितने इंपॉर्टेंट इसमें दिए हैं सब इंपॉर्टेंट है, सबको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, याद कर लेना है। वीटो पावर किसमें बात किया, निषेधात्मक शक्ति का बात किसमें किया गया, तो आप बताओगे अनुच्छेद 11 में। अब वहीं पर बात करेंगे अध्यादेश जारी कर, 123 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसमें है, तो ये 123 अध्यादेश, और ये अध्यादेश तो बहुत, जब सदन के दोनों सदन सत्र में नहीं उपस्थित होते हैं, कोई कानून लाना आवश्यक हो तो अध्यादेश लाया जाता है टेम्परेरी कानून के तौर पे, तो 123 के तहत जो है लाया जाता है। अब बात करते हैं परामर्शदारी शक्ति, 143 के तहत जो है विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श ले सकता है, लेकिन प्रश्न मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये बात कहा गया 143 में। परामर्शदारी शक्ति किसको प्राप्त है, तो बताओगे राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रत्येक पाँचवें वर्ष वित्त आयोग का गठन करेगा, 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, तो बताओगे राष्ट्रपति ही करेगा। अब वहीं पर बात करते हैं आपात के स्थिति में राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ प्रदान है, कौन कौन से, अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध तथा बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र, देखिए सशस्त्र विद्रोह, तीन कंडीशन कौन कौन से हैं, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, इन्हीं तीन कंडीशन पर केवल क्या लग सकता है, राष्ट्रीय आपात लग सकता है। लेकिन 356 के तहत संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकालीन राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। 360 के तहत जो है जब आर्थिक स्थिति खराब होने तो आपात, वित्तीय आपातकाल की, तीन तरह के आपातकाल हों, तीनों तरह देखिए, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन जिसे राज्य आपातकाल कहते हैं, चौथा जो है वित्तीय आपातकाल, तीसरा तो वित्तीय, तो इनको आप ध्यानपूर्वक देख लेना है। अब हम उपराष्ट्रपति की चर्चा करने वाले हैं। देखिए उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान किया गया कि भारत की एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तथा निर्वाचन प्रणाली के तहत किया जाएगा जिसे संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, देखिए राष्ट्रपति में कोई निर्वाचित सदस्य, लेकिन संसद के दोनों के सदनों के जो है निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य जो है भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता अनिवार्य है, राज्यसभा का सभापति भी यही होता है। अब इसके बारे में एक नज़र में देख लेते हैं, कहा गया है पद का उल्लेख 63 में, पद का स्रोत क्या है, अमेरिका से, जबकि शपथ इसमें राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं कौन, और वहीं पर इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष शपथ ग्रहण से ही प्रारंभ होता है, न्यूनतम आयु कितना है 35 वर्ष होता है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अब आते हैं उपराष्ट्रपति उसके पद के कार्यकाल का महाभियोग प्रक्रिया से हटाया, इसको भी महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, हटाने से महाभियोग प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, इसमें कंडीशन है राज्यसभा में ही सर्वप्रथम पेश किया जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति कौन होता है राज्यसभा का, तो आप बताओ उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से क्या करता है, चलवाता है। वहीं इसको आपको बताएं उपराष्ट्रपति वेतन नहीं मिलता, सभापति का वेतन मिलता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होता है कार्यवाहक रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम संघीय मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करने वाले प्यारे साथियों, बने रहे, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। किसी भी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो क्विक रिवीजन के लिए वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। प्यारे साथियों अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को विचार विमर्श की सहायता देने हेतु संघीय मंत्रिपरिषद होती है, इसका मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद की सहायता सभी मंत्री सदस्य होते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी जो है संसद के सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं संघीय मंत्रिपरिषद सभी मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री के सलाह पर, जो मंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो बताओगे प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। संघीय परिषद में मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता, जब तक चाहे मंत्री तब तक बना रहते, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, कोई रूल नहीं हटाने के लिए। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी जो है मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते, किसके लोकसभा के प्रति, जितने मंत्री होते लोकसभा के प्रति, राज्यसभा नहीं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रभार तीन तरह के मंत्री होते हैं प्यारे साथियों। अब बात करते हैं संघीय मंत्रिपरिषद कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती है। कहा गया अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। देखिए इसका भी हम डिस्कशन कर चुके हैं मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, तो प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा, शपथ जो है राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, वहीं पर इस्तीफा किसके समक्ष देता है तो राष्ट्रपति को ही इस्तीफा देगा। अब कार्यकाल कितना 5 वर्ष होता है और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, लेकिन यदि लोकसभा से चुना जाता है तो 25 होगी, लेकिन यदि राज्यसभा से प्रधानमंत्री के को चुना जाता है तो आयु मिनिमम कितनी, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 एज की ज़रूरत है यानी। अब बात करते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट है, देखिए प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। कार्य कौन से हैं, प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, और वही प्रधानमंत्री नीति आयोग का क्या है, पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब जैसे प्रधानमंत्री बनता है ये नीति आयोग का अध्यक्ष स्वतः बन जाता है, क्योंकि किसी को बनाने की जरूरत नहीं होती है। वही प्रधानमंत्री राष्ट्र विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है लोकसभा को विघटित व भंग कर सकता है, ये बात किसमें कहा गया है 85 में। देखिए 85 जो राष्ट्रपति पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हमने देखा था प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा का जो है विघटित भी कर सकता है, सत्रावसान भी कर सकता है और सत्र का आहूत भी कर सकता है, बुला भी सकता है। अब बात करते हैं महान न्यायवादी के बारे में बात कर लेते हैं पैसा, तो बने रहे हमारे साथ, ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्विक रिवीजन बहुत जरूरी होती है, एक बार तो आपने पढ़ा ही होगा लेकिन क्विक रिवीजन कर लेते तो आपके मन माइंड में फिर से रिकॉल हो जाती है चीज़ें। जैसे महान न्यायवादी आए तो महान न्यायवादी से जितने रिलेटेड आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा वो क्वेश्चन आपके माइंड में स्वतः आ जाती है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट कह सकते हैं। अब वहीं पर संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत जो है संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है, कौन नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत, देखिए आर्टिकल जरूर याद रखिए, आर्टिकल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार, सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है देश का, तो आप बताओगे महान न्यायवादी होता है। अब वहीं पर महान न्यायवादी देश के सभी न्यायालय की सुनवाई करने का अधिकार रखता है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता, ये चीज़ याद रखना है, कार्यवाही में भाग ले सकता लेकिन वोट नहीं कर सकता है। महान्यायवादी सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता, देखिए बात कहा गया है। महान्यायवादी के पद योग्यताएँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती हैं। प्रथम महान्यायाधीश कौन सा है, एससी सीटलवान है, वर्तमान में कौन है आर वेंकट रमणी है, ये चीज़ें। प्रथम कौन है, एमसी सीतलवार थे प्रथम महान्यायवादी, यानी अटॉर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो उत्तर आप क्या बताएंगे एमसी सीतलवार। लेकिन करंटली कौन से नियुक्त हैं तो आप बताओगे आर वेंकट रमणी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा लेखा परीक्षा, जिसे आप कहते हो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी रेज होते हैं तो इसको भी पढ़ना बहुत ही जरूरी, यानी संविधान के सभी चीज़ें आपको क्विक रिवीजन के तौर पे दी जाएंगी, जिसको आपको ध्यानपूर्वक वॉच करना है, वन नहीं कम से कम 3 टाइम्स आपको वॉच करना है। ये 3 टाइम्स आप देख लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए हलवा हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, और एग्जाम में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं सातवें आसमान पे होंगे। इसलिए कहता हूँ जो भी देखें पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना तो लें ना ही दें। अधूरा ज्ञान क्या होता है, विष के समान होता है, अधूरा ज्ञान विष के समान, और अधूरा ज्ञान ना ही लें ना दें, ये आपका सिद्धांत होना चाहिए प्यारे साथियों। वहीं पर बात भारत का शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है 1860 में महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किया गया था, किसमें महालेखा परीक्षक का। संविधान के 148 तथा 191 से नियंत्रक महालेखा परीक्षण का एक का उल्लेख किया गया है,
148 से लेकर 3-4 अनुच्छेद इसके लिए बनाए गए हैं। अनुच्छेद 148 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कौन है नियुक्ति करेगा, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है पद ग्रहण के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 6 वर्ष रहेगा या 65 वर्ष रहेगा जो भी पहले हो, के नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसके पद का कार्यकाल पूर्व भी हटाया जा सकता है, जिसकी विधि जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद हटाने, सुप्रीम कोर्ट के जिसे न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक मुख्य कार्य लोक धन के व्यय को निगरानी करना, ये कैग का कार्य होता है। देखो घोटाले जो उजागर करता है यही उजागर करता है। अब बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच जो है लोक लेखा समिति करती है, जिस कारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक व मार्गदर्शक कहा जाता है। देखिए कहा गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच जो है लोक लेखा समिति करती है, जिसका कहते हैं इसी कारण से महालेखा परीक्षक का समिति का मित्र, दार्शनिक या मार्गदर्शक किसे कहता है, लोक लेखा समिति को कहा ही जाता है। 1976 में लेखा CGA नाम पद का निर्माण किया गया, जिसकी नियुक्ति क्या की राष्ट्रपति ने किया। अब बात करें भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, प्रथम नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कौन थे, तो नरिहर राव थे। भारत में वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। बात करते हैं संघीय विधायिका के बारे में। देखिए संघीय विधायिका में अनुच्छेद 79 में जो है संसद की बात की गई है, यानी कि संघीय विधायिका के रूप में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास हो। संसद में 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए राष्ट्रपति क्या हो, राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, वहीं पर राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा गया। 3 अंग होते हैं संसद के, तीनों का नाम आपने जान लिया। अब राज्यसभा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा का निर्माण जो है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि से मिलकर होता है राज्यसभा का निर्माण। अब वहीं पर बात है राज्यसभा के उच्च सदन या अस्थायी सदन राज्यों का परिषद किसे कहा जाता, तो बताओ राज्यसभा को। वहाँ राज्यसभा का भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि एक अस्थायी सदन है या एक तिहाई सदन जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है रिटायर होते रहते हैं, ये बात इसमें कहा गया है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने, 250 है, जिनमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब वहीं पर बात करते हैं राज्यसभा में वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है, 245 है। वर्तमान सीटें कितनी है, 245 ही सीटें हैं प्रेजेंट टाइम में। अब वहीं पर राज्य में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 31 हैं और महाराष्ट्र में 19 हैं, और महाराष्ट्र में कितना, 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16। ये सबसे अधिक कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में 31 है, ये चीज़ याद रखना है। और टोटल कितना है, 245 है। जो राज्य के प्रत्येक प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और उनकी न्यूनतम आयु कितनी, 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का गठन पहली बार जो गठन 3 अप्रैल 1952 में, इसकी पहली बैठक जो है 13 मई जो है 1952 में किया गया था। राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, लेकिन उसका पदे लेकिन परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति चुनाव कर सकती है, उपसभापति चुनाव कर सकती है। प्रथम उपसभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा प्रथम उपसभापति SB जो है कृष्णमूर्ति थे। सभापति कौन से, सर्वपल्ली था, उस समय के उपराष्ट्रपति भी ही थे। उपसभापति कौन थे, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथी, उपसभापति कृष्णमूर्ति थे। अब बात करते हैं प्रथम महिला सभापति कौन थी, वायलट अलवा क्या थी, राज्यसभा की प्रथम उपसभापति थी वायलट अलवा। राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीश धड़कन, जबकि उपसभापति कौन था, हरिवंश नारायण है। तो ये चीज़ें याद करके रखना है प्यारे साथियों। अब हम आगे डिस्कस करते हैं लोकसभा के बारे में। अब बात करते हैं लोकसभा जो है का संगठन जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर होता है, वयस्क मताधिकार पर होता है, यानी कि डायरेक्ट चुनाव होता है इसमें। लोकसभा में निम्न सदन अस्थायी सदन या जनता का सदन किसे कहा था, लोकसभा को ही कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 550 है, जिसमें 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और 530 कितने राज्यों के लिए हैं, लेकिन जो है वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 ही है।
लोकसभा में सर्वाधिक सीटों की संख्या कहाँ? उत्तर प्रदेश में कितना? 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में कितना है तो आप बताओगे? 40 है। तमिलनाडु में कितना है? 39 है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु कितना होता है? 25 वर्ष होता है। वहीं पर आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल एक बार में केवल एक बार ही बढ़ाया जा सकता है, एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में। और वही 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, परंतु वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। पहले 5 से 6 किया गया था, फिर 6 से 5 कर दिया गया इसको 44वें संविधान संशोधन। ये एक चीज़ याद कर लेना प्यारे साथियों। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुन सकती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सदैव लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। कोई धन विधेयक का निर्णय जो है सदैव लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। धन विधेयक जो है लोकसभा में भी प्रस्तुत होते हैं, परंतु राज्यसभा धन विधेयक में अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है, इससे ज़्यादा लोग नहीं सकती। इसके बाद ये पारित मान लिया जाएगा। पहली लोकसभा का गठन 1952 में हुआ। वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 हुई चल रही है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव देव मालूमकर हैं। वहीं पर आप जानते हैं 24 में भी चुनाव हो चुका है दोबारा। अब बात करते हैं, पहली अध्यक्ष तो मेरा कुमार थी, उनके अतिरिक्त सुमित्रा महाजन भी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब बात करते हैं लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो अनंत सैनम थे। कौन? अनंत सैनम थे। और वहीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? ओम बिड़ला। जो है न्यायिक व्यवस्था में किया गया, जिसका शीर्ष स्थान है सबसे, भारत में सबसे बड़ा न्यायालय उच्चतम न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख जो है भाग जो है 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में उच्चतम न्यायालय का शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 से 147 के बीच अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वर्ष 1974 में कलकत्ता के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे थे। वहीं पर बात करें भारत में शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायपालिका का प्रावधान कब किया गया? तो 1935 में किया गया था। एक एक पॉइंट इसमें आपको डिनोट करते हुए चलना है, जो ना रहा हो या तो नोट कर ले या तो स्क्रीन शॉट जरूर लेके रखें। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 फरवरी 1950 को किया गया था। वही पर बात है, न्यायाधीश की वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित होती है? तो संसद में निहित होती है। वर्तमान में कितने? 34 जो है न्यायाधीश होते हैं। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 34 है। अब उच्चतम न्यायालय की एक नज़र में हम देख लेते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि पदच्युत किसके? संसद के असमर्थता के आधार पर, संसद को हटाने का अनुमति असमर्थता के आधार पर। शपथ जो है राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, और वहीं पर इस्तीफा जो राष्ट्रपति को ही देता है। कार्यकाल कितना निर्धारित नहीं है, और अधिकतम आयु कितनी वर्ष है? 65 वर्ष है। और वेतन कितना? 280,000 और 250,000। अध्यक्ष को 280,000, जबकि सदस्य को कितना मिलता है? अन्य न्यायाधीश को 250,000 मिलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं राज्यपाल के, राज्य कार्यपालिका की शक्ति के बारे में डिस्कस करने वाले। देखिए, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। इसका अनुच्छेद जो है 153 के तहत प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया। एक राज्यपाल तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही जो है पद पर रहेगा। ये एक चीज़ है, इसमें नोट करते हुए चलना है। कोई चीज़ इसमें फर्जी बात की ही नहीं गई है, क्योंकि क्विक रिवीजन नोट से मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, तो आपको भी इस चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखता है। पद का उल्लेख 153 में, पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है राज्यपाल का। अब वहीं पर बात करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर किया जाता है। हटाया कैद कैसे जाएगा? पदोच्चित राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य में नियुक्त होगा उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। इस्तीफा राष्ट्रपति को। कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम आयु कितने? 35 वर्ष। और वहीं वेतन कितना है? 3,50,000 जो है इसका वेतन है। अब बात करते हैं शक्तियाँ वगैरह इसकी क्या हैं, इसको देख लेते हैं। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। शक्तियाँ जो है राज्यपाल की क्या होती है? कार्यपालिका तथा विधायिका का क्या होता है? प्रमुख कौन होता है तो आप बताओगे? राज्यपाल होता है।
वहीं पर बात करते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसे मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा सभी अधिवक्ता राज्य के संबंधित संस्थाओं के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन, आप बताओ कि राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय का क्या होता है, कुलाधिपति होता है। अब वहीं पर बात करते हैं 161 के तहत राज्य जो है, राज्यपाल सजा को कम कर सकता है, सजा को माफ नहीं कर, पूर्णतः माफ अथवा पूर्णतः माफ कर, लेकिन आपको बता दें मृत्यु की सजा दिया गया, भाषिक सजा को माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किसमें, तब कहा जाएगा 161 में ही है। अब 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 भाग जो है मनोनीत करता है, जिनका कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता क्षेत्र से, यानी 5 क्षेत्रों से देख लीजिए, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सहकारिता, 5 क्षेत्रों से टोटल नियुक्त किए जाते हैं। 174 के तहत जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री के सिफारिश पर विधानसभा को विघटित या भंग कर सकता है, किसके 174 के तहत पर, 200 के तहत जो अनुच्छेद 200, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर वीटो की शक्ति प्रयोग कर विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ये किसमें कहा गया, वीटो की बात की किसके, तो अनुच्छेद 200 में कहा गया है। 213 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल को सत्र ना चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश किसके तहत जारी कर सकता है, 213 के तहत। वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है राज्य में, संबंधित राज्य में जिस राज्य का वो राज्यपाल है। अब बात करते हैं राज्य के मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, जिसे हमने केंद्र के मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में बात किया, अब जो है राज्य के मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में बात करते वाले हैं। अनुच्छेद 163 के तहत जो है राज्यपाल की को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक राज्य मंत्रिपरिषद की गठन किया जाता है, जिसका मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब बात करते हैं राज्य विधान परिषद के सभी मंत्री राज्य विधान मंडल के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अब वहीं पर राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, जैसे वहां पर क्या था लोकसभा के उत्तरदायी होते थे, यहां पर विधान मंत्री किसे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। न्यूनतम आयु कितनी, 25 वर्ष होती है। और वहीं पर मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो बताओगे मुख्यमंत्री होता। अब महाधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हो वही। अब बात करते संविधान के 165 के तहत जो है महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया है। एक एक चीज़ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं प्यारे साथियों, बने रहें। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य विधान परिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, कौन, तो बताओगे महाधिवक्ता। अब बात करते हैं महाधिवक्ता राज्य के प्रथम तथा सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। अब वहीं पर महाधिवक्ता के देश में किसी भी न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार होता है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन कार्रवाई में भाग ले सकता है सदनों, लेकिन यहाँ मतदान नहीं, मत का प्रयोग नहीं कर सकता है, बात कहा गया है। महाधिवक्ता पद योग्यताएँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। अब राज्य विधायिका के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य विधायिका का उल्लेख अनुच्छेद 168 के तहत जो विधायिका कानून बनाने का अधिकार जो विधानमंडल कार्य करती है। राज्य विधानमंडल के प्रमुख तीन होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद उच्च सदन, विधानसभा यानी निम्न सदन, तीन जो है अंग होते हैं। जैसे संसद के तीन अंग कौन थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति थे, वैसे जो है विधानमंडल के कौन कौन से हैं, राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा थे। अब यहाँ पर एक एक करके विधानसभा, राज्यसभा इन सबकी चर्चा कर लेते हैं। विधानसभा को निम्न अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है, जिस कारण विधानसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। किसी भी राज्य में विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 500, जगह न्यूनतम कितनी है, 60। और वहीं पर देश के 4 विधानसभाएं में न्यूनतम संख्या अपवाद है, जैसे गोवा में कितना, 40, मिजोरम में भी 40, गोवा तथा मिजोरम दोनों में भी 40 हैं, और 32 कहाँ, सिक्किम में, पुदुचेरी में 30 हैं। ये चारों चीज़ें आपको याद हों, क्योंकि 60 से कम और हर जगह 60 से अधिक है, लेकिन 4 ही अपवाद कौन से, गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 और पुदुचेरी में 30 होते हैं। तो अपवाद जो जरूर याद, क्योंकि अपवाद ही क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं, रेज होते हैं।
सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में 403 हैं, और वहीं पश्चिम बंगाल में 294 और महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243। तो इसमें देखिए चारों को आपको लगातार याद कर लेना है, पहले उत्तर प्रदेश, फिर बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243। अब बात करते हैं देश के तीन केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर में 114, दिल्ली में 70 तथा पुदुचेरी में 30, तीन जगह जो मुख्यमंत्री का प्रावधान है। विधानसभा जनसंख्या के आधार पर जो है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को सीटों का आरक्षण किया गया है, किसमें? अनुच्छेद 332 के तहत। अब वहीं पर बात करें विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। अब विधान परिषद की चर्चा कर लेते हैं, विधानसभा के मैंने डिस्कस कर लिया। विधान परिषद में उच्च या अस्थायी सदन कहा जाता है। विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। देखो भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अब वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 राज्यों में है विधानसभा विद्यमान है। किसी भी राज्य में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के कुल सदस्यों के 1/3 होती है। कितना? कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, ये चीज़ें याद कर लेना है। और किसी राज्य के विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो है 40 हो सकती है। कितना? 40 ही हो सकती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 100 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में जो है 75 है, आंध्र प्रदेश में 50 है, तेलंगाना में 40 है। देखिए उत्तर प्रदेश में 100 है, महाराष्ट्र में कितना? 78 है, बिहार में 75 है। कम से कम 4 तो आपको याद ही कर लेना है, जैसे उत्तर प्रदेश का 100 तो कई बार पूछा गया, महाराष्ट्र का 78 भी पूछा गया है, बिहार तक तो एटलीस्ट 3 तो याद ही कर लें। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, जैसे राज्यपाल का कार्य प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, उनके स्थान पर नवीन सदस्य चुने जाते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने? 4 माह तक ही रोक सकता है। धन विधेयक को 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है, 14 दिन में उसको वापस ही करना होगा। अब वहीं पर विधान परिषद अपने सदस्यों में से किसे सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं? विधान परिषद जो है अपने सभापति तथा उपसभापति का चुनाव जो है अपने ही सदस्यों में से एक किसी एक को करते हैं। अब बात करते हैं उच्च न्यायपालिका, राज्य के न्यायपालिका के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय तथा उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जो है अनुच्छेद 233 से 237 उच्च न्यायालय के अधीन उनके निर्देशानुसार जिला तथा निम्न स्तरों पर कार्य करती है। कौन? अधीनस्थ न्यायालय। अब उच्च न्यायालय के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 214 से 232 तक में किया गया। भारत का सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता में सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन था? कलकत्ता में स्थापित हुआ हुई तत्पर उस समय बम्बई, मद्रास और भी उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी उसी समय। कौन से? बम्बई और मद्रास की भी स्थापना उसी समय हुई थी। देश के चौथे तथा उच्च न्यायालय की स्थापना, चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद है 1986 में। सबसे बड़ा न्यायालय है ये। संविधान के 214 के तहत राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आपको बताएं एक उच्च न्यायालय का क्षेत्र का 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी है। देखिए सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत सब प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय के 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ सात राज्य क्षेत्रों का उच्च न्यायालय बन सकता है, ये बात कहा गया है। वर्तमान में कुल कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां कौन है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि 25वां भी जल्द ही बना है आपको बताए। नेक्स्ट है नियुक्ति का, वह राष्ट्रपति द्वारा, पदच्युत का संसद द्वारा किया जाता है, शपथ जो है राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में बात हो रही है, शपथ राज्यपाल के समक्ष, इस्तीफा राष्ट्रपति को, कार्यकाल जो है निर्धारित नहीं, अधिकतम आयु कितना? 62 वर्ष, वेतन 2,50,000, अन्य न्यायाधीश को 2,25,000। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को शपथ जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, सॉरी क्या है इस शर्तें क्या हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष से जो है न्यायाधीश रहा हो उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों को मिलाकर, या 10 वर्ष तक वकील रहा हो किसी विभिन्न न्यायालयों में, तो याद करके रखना ये चीज़ें। अब स्थानीय स्वसंस्थित यानी पंचायत के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए बात इसमें पंचायत की हो रही है, इसमें लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय स्वशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन ही है। 1882 ईस्वी में
रिपन प्रस्ताव को भारतीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया था। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, और जो गांधीवादी विचारधारा से संबंध, किस विचारधारा से आप बताओ, गांधीवादी विचारधारा से, वही जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की, सिफारिश की। वहीं पर 2 अक्टूबर 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में जो है बागड़ी गांव में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई थी। और वहीं वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, इस जिनका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को कमियों को दूर करना तथा द्विस्तरीय व्यवस्था को लागू करना था, लेकिन द्विस्तरीय लागू नहीं हुआ, त्रिस्तरीय ही रहा। अब बात 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान के भाग 9 में 243 अनुच्छेद यानी 243 से 243 ओ तक ग्रामीण पंचायत का जो है राज व्यवस्था की स्थापना की गई। भाग 9 में कुल अनुच्छेद कितने हैं तो बताओ 16 हैं। ये पंचायत के लिए कितने 16 अनुच्छेद की बात की गई है। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर पंचायतों की शक्तियां तथा कर्तव्यों का उल्लेख जो है 11वें अनुसूची में किया गया है। अब बताओ अनुसूची में कितने टोटल गाँव में ग्राम पंचायत को टोटल कितने 29 विषय हैं। अब बात अभी हम नगर पंचायत के बारे में भी बात करेंगे, बस बने रहिए। भारत का एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश जहां अल्पसंख्यकों को पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है। अल्पसंख्यकों को आरक्षण कहां पर है तो बताओगे आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश महिलाओं के में जो है महिलाओं का 1/3 सीटें जो है आरक्षण की गई है। किसमें महिलाओं का आरक्षण कहाँ 1/3 है, यानी 100 में से 33 महिलाएँ ही जो है ग्राम पंचायत के लिए चुनी जाएंगी। उत्तराखंड में महिलाओं का 1/2 सीटें जो है आरक्षण किया गया है। देखिए कहाँ किसके लिए, मध्य प्रदेश तथा बिहार और उत्तराखंड में महिलाओं के लिए कितना 1/2 यानी कि 50% महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, ये बात किया गया है। किसमें आप बताओगे मध्य प्रदेश बिहार उत्तराखंड तीन राज्यों में, ये चीज़ें याद कर रखना है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है, शिल्पी किसे बलवंत राय मेहता को माना जाता है। स्थानीय सुशासन राज्य सूची का विषय है, और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए किसी प्रधान बनने के लिए तो आप बताओ 21 वर्ष होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जाति को सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश एकमात्र राज्य जहाँ पर अनुसूचित जाति को क्या नहीं दिया गया है, आरक्षण नहीं दिया गया है। मेघालय मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। मेघालय मिजोरम और नागालैंड में पंचायत का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है पहले से ही। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसी दिन पंचायत का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश पंचायत समिति संशोधन विधेयक वर्ष 1994 पारित किया गया, इसमें 22 अप्रैल 1994 में से लागू किया गया पंचायत व्यवस्था को। स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे, सुरेंद्र कुमार डे थे। स्वतंत्र भारत के पहले जो है मंत्री कौन थे, स्वतंत्र राज मंत्री सुरेंद्र कुमार डे थे। वर्तमान केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, ऐसे राज्य जहां पर जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पर जो है पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा का निर्माण जो 1996 में किया गया है। अब इसी साथ हम नगर पालिका की बात कर लेते हैं। अंग्रेजों ने 1687 में पहली बार जो है नगर निगम की स्थापना मद्रास में की थी। 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 संविधान भाग 9 में जो के ए में पंचायत नगर पंचायत का उल्लेख किया, और 243 से 243 पी से अनुच्छेद 243 ZG तक का में किया गया। इसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी है बताओ 18 अनुच्छेद टोटल। साथ ही नगर स्तर पर पंचायतों के कार्य शक्तियां तथा कर्तव्यों का उल्लेख जो है 12वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, किस अनुसूची, वहां पर ग्राम पंचायत का 11वीं में था जबकि नगर पंचायत का 12वीं में था। नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी पंचायतों के समान ही होता है, 5 वर्ष होता है। नगर पालिका के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं सहकारी समितियों के बारे में। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। कब हुई थी 1904 में। भारत के सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, निकोलसन को माना जाता है। 97वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसके तहत संविधान के भाग 9B में जोड़ा गया। इसके प्रावधान क्या हैं, अनुच्छेद 200 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक किया गया है। सरकारी समिति के निदेशक अधिकतम संख्या कितनी हो सकती, 21 हो सकती है।
जिनमें से एक स्थान से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए तथा दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। इनमें से सहकारिता मंत्रालय वर्तमान में कौन है? अमित शाह हैं। अब केंद्र राज्य संबंध के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्यारे साथियों बने रहें। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। केंद्र राज्य के संबंध में तीन भागों में विभाजित किया गया है। विधायी संबंध जो है 245 से 255, प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 63 एवं वित्तीय संबंध की चर्चा किसमें 264 से 293। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें जिससे आपको चीज़ें और आसान हो जाएगी। तीन केंद्र राज्य के संबंध मुख्य तीन भागों में विभाजित किया। पहला क्या है? विधायी संबंध 245 से 255, प्रशासनिक संबंध आप बताएंगे 256 से 263 और 264 से 293 जो है वित्तीय संबंध के बारे में बात किया। वित्तीय संबंध का उल्लेख जो है भाग 12 में किया गया। किस भाग में? वित्तीय संबंध का उल्लेख जो है भाग 12 में किया गया है, अनुसूची नहीं, भाग 12 में किया गया है। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र राज्य के मध्य विधायी शक्ति के बंटवारे के लिए तीन सूचियों का निर्माण किया गया है जो सातवें अनुसूची में रखी गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। और देखिए 246 के ए में जो है के तहत वस्तु तथा सेवा कर जो है GST के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। अब वहीं पर बात करते हैं 248 में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास नहीं होंगी, यानी केंद्र के पास नहीं होगी। अब वहीं पर 249 के तहत राष्ट्रपति में राज्य सूची के संबंधित विषय पर कानून बना सकता है। किसमें? राष्ट्रहित में जो है राज्य सूची पर भी कानून 249 के तहत बना सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के संबंध में कानून बनाने का शक्ति किसको प्राप्त है? आप बताओगे? संसद को प्राप्त है। 253 के तहत संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौते अमल करने के लिए विधि बनाने की शक्ति भी जो है प्राप्त है। अनुच्छेद 262 के तहत संसद विधि बनाकर जो है अंतर्राज्यीय नदियां तथा नदी घाटियों के पानी संबंधित विवादों का संबंध में निर्णय कर सकती है। और वहीं पर बात करते हैं 263 के तहत राज्य के तथा केंद्र राज्यों के मध्य जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है। 151 संविधान संशोधन के तहत 2016 में अनुच्छेद 279 के जोड़ा गया था राष्ट्रपति GST परिषद की स्थापना किसके तहत? 279A के तहत जोड़ा गया। अब उन पर केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय प्रशासनिक सुधार आयोग की गठन किया गया था। 1969 में बीपी रामन राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था। राजमन्नार आयोग किससे संबंधित? अंतर्राज्यीय संबंध से है। अब बात करते हैं वर्ष 1993 केंद्र राज्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर्य सरकारिया के तहत 3 सदस्यीय सरकारी आयोग के गठन किया गया था। सरकारी आयोग का संबंध किससे? तो बताओ कि केंद्र राज्य संबंध से, जिनके संबंध में 247 सिफारिशें की थी। वर्ष 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पुंछी आयोग का गठन किया गया। ये भी पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो आप बताओगे केंद्र राज्य।